हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। आज हम बात करेंगे एक मैजिकल हेयर प्रोडक्ट के बारे में जो कि है बटीस्ट का ड्राई शैम्पू। अब ये ड्राई शैम्पू क्या होता है, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसे यूज़ करके, ये सब मैं आपको बताऊँगी मेरी इस वीडियो में। सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग जो है आम एक हेयर स्प्रे की ही तरह है। ये जो है इसका एक फ्लिप कैप है ऊपर से जो खुलता है और जहाँ से प्रोडक्ट जो है निकलता है। इसकी प्राइस है 525। मैंने इसे मार्केट से परचेस किया था और अगर आप इसे दरा से परचेस करना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी, लेकिन अब इसकी प्राइस जो है वो 800 हो गई है। अगर आप परचेस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका जो कलर है वो बेसिकली अंदर से ब्लॉन्ड है, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक ब्लॉन्ड कलर में है, लेकिन जब आप इसे स्प्रे करेंगे और मसाज करेंगे तो आपका ये ब्लॉन्ड कलर जो है नहीं दिखेगा। तब ये इतना पॉपुलर प्रोडक्ट भी नहीं था और मैंने इसे कभी यूज़ भी नहीं किया था, और जब मैं मार्केट में गई थी तो मुझे इसके अलावा और कोई कलर जो है नहीं दिखा। अभी तो ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। आपके बाल किसी भी कलर के हों, आप अपने पसंद का जो है अपने बालों के कलर के हिसाब से ड्राई शैम्पू परचेस कर सकते हैं। और इसकी सेंट जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, एक शैम्पू की ही तरह है, ऐसी कोई ख़राब स्मेल नहीं या फिर स्ट्रॉन्ग स्मेल इसकी नहीं है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। बेसिकली ड्राई शैम्पू जो होता है आपके बालों को बिना वेट किए हुए आपके बाल जो हैं शैम्पू हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये एक मैजिकल प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपको जस्ट स्प्रे को खोलना है और 30 सेंटीमीटर दूर अपने बालों से इसे स्प्रे करना है। तो आपके बाल जो है यहाँ पे वेट नहीं होने चाहिए। जब आप 30 सेंटीमीटर दूर आप इसे अपने जो रूट्स हैं आपको उस पर स्प्रे करना है, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा मसाज करना है, देन आपके बालों का जो है वो एक्सेस ऑयल भी निकल जाएगा और आपके बाल जो है वो सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे आप अभी अभी शैम्पू का कराए हों। इसका जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने इसे 5 to 6 times यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट काफ़ी इंस्टेंट है, क्योंकि जब भी मैं कहीं जल्दी में होती हूँ या फिर मेरे बाल जो हैं बहुत ही थोड़े से ऑयली या फिर चिपचिपे लगते हैं, मैं जस्ट इसे स्प्रे कर देती हूँ अपने रूट्स पे एंड देन मसाज कर देती हूँ तो मेरे बाल जो हैं बिल्कुल शैम्पू हो जाते हैं। तभी लिखा हुआ है कि ये एक ड्राई शैम्पू है जो कि बिना वेट किए हुए आपके बालों को शैम्पू कर देता है। इसके रिज़ल्ट जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और ये बालों को एक बहुत अच्छा वॉल्यूम भी देता है। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोज़ एंड कॉन्स की। इसके प्रोज़ ये हैं कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है और आपके बालों को बहुत अच्छा वॉल्यूम दे सकता है। एक्सेस ऑयल तो ये इंस्टेंटली रिमूव कर देगा, ये काफ़ी इंस्टेंट है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, इसके रिजल्ट बहुत क्विक हैं और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। अगर आपके बाल डीप ब्राउन हो या फिर ब्लैक हो या फिर किसी भी कलर के हों, आप अपने कलर का परचेस करके अपने बालों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। आप इसे एवरीडे यूज़ नहीं कर सकते, आप इसे हर अल्टरनेट डे पर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसे डेली यूज़ करेंगे आपके बालों में हेयर फॉल हो सकती है और आपकी स्कैल्प जो है वो थोड़ी सी इचिंग फील होगी अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख कर नहीं छोड़ दें कि सुबह तक आपके बाल आप रात को रख के सोए और सुबह एक्सेस ऑयल रिमूव हो, नहीं। आप उसी टाइम अगर आपको कहीं जल्दी जाना हो तभी आप इसे जस्ट स्प्रे करके मसाज करके आप कहीं भी जा सकते हैं। गाइज, ये था मेरा आज का रिव्यू एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।